ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आत्माभिमानी बनेगा, किसी के भी, किसी का भी शरीर पर नजर नहीं जाएगी। जैसे गाड़ियां चलती है, उसकी लाइट तेज आती है तो हम कहेंगे बस है, कोई कहेगा नहीं नहीं ट्रक है, कोई कहेगा नहीं जीप है, कोई कहेगा मोटरसाइकिल है। वो गाड़ी पता ही नहीं चलेगी कौन सी है, क्योंकि लाइट पावरफुल है। इसी तरह जितनी आत्मिक स्थिति ज्यादा है, उतना आपका शरीर कौन सा है, सुंदर है, स्त्री है, पुरुष है, उसके तरफ भी ध्यान नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी की लाइट जला कर रखो। जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रहता। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, शेर, चीता, भालू, अगर किसी छोटे बच्चों को भी जंगल में भेजो लाइट लेके, वो शेर उसको देख के भागेगा। बच्चों को देखकर नहीं भाग रहे, किसको देख के भाग रहे हैं, लाइट को। सभी जानवर डरते हैं लाइट से। यहां भी एक बड़ा जंगल है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कितने विकार रूपी जानवर घूम रहे हैं। अगर विकार रूपी जानवर से बचना है, या आत्मा की लाइट जला कर रखो, सदा आत्माभिमानी की मशाल जला कर रखो। इसीलिए आत्मा का अभ्यास, जो आत्माभिमानी है वो सदा ही परमात्मा के साथ कंबाइंड में रहते हैं, उसको परमधाम दूर नहीं अनुभव होगा, बाबा दूर अनुभव नहीं होगा, नजदीक। इसीलिए आत्माभिमानी बनने की जरूरत है।